वेलकम टू एशाज यंग आयस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 10 की साइंस 2 टेक्स्ट बुक में सिलेबस रिडक्शन क्या हुआ है। 25% सिलेबस रिडक्शन हुआ है अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स। तो साइंस 1 का हमने देखा था, अब ये साइंस 2 में देखिए क्या क्या सिलेबस रिडक्शन हुआ है। शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में यहाँ देखिए जो हमारा पार्ट है नीचे, तो स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया, ये देखिए फोर्थ लास्ट लाइन है ये, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए। यहां से लेके ये सेकंड लास्ट लाइन, इंस्टेड ऑफ थायमिन इन डीएनए, इतना पूरा पार्ट ये कैंसिल्ड है ना। एमआरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए, एक सेंटेंस, और दूसरा के यूरैसिल इन आरएनए इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ थायमिन। तो ये दो सेंटेंसेस स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया ये कैंसिल है। तो उन्होंने एक्चुअली महाराष्ट्र मराठी बुक का एक्चुअली दिया है, जो पूरा पीडीएफ भी आया है सिलेबस रिडक्शन का, वो मराठी में, और मराठी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो वो मराठी टेक्स्ट बुक में एक्जैक्टली कंटेंट देख के यहाँ पे स्पेसिफिक आपको कैंसिलेशन बता रहे, एग्जैक्ट अक्यूरेट कैंसिलेशन। तो ये हुआ पेज 1। पेज 2 पे कुछ कैंसिलेशन नहीं है। पेज 3 पे ये देखिए पूरा पार्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो से लेके पूरा एंड तक पूरा कैंसिल है, और ये जो बॉक्स है अपीक इनटू हिस्ट्री ये भी पूरा कैंसल्ड है। ये इंटरनेट इज माय फ्रेंड है, काफी सारे इंटरनेट इज माय फ्रेंड पार्ट्स कैंसल्ड है, लेकिन ये कैंसल्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक्चुअली सवाल आते हैं, लेकिन अब ये कैंसल्ड है। ये देखिए पेज पेज 4 पे ये कैन यू टेल कैंसल्ड है, यूज ऑफ आईसीटी कैंसल्ड है। पेज 5 पे यूज ऑफ आईसीटी अगेन यहाँ पे कैंसल्ड है बॉक्स जो है। पेज 6 पे इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट, तो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट भी सारे कैंसल्ड है, ये विलर्ड लिब्बी के बारे में था ये कैंसल्ड है। पेज 7 पे कुछ कैंसिलेशन नहीं है। पेज 8 पे अगेन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट है, चार्ल्स डार्विन एंड वो बॉक्स भी कैंसल्ड है, और जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ये वाला बॉक्स भी कैंसल्ड है। इवन इंटरनेट इज माई फ्रेंड ऑन पेज 8 इज कैंसल्ड। फिर पेज 9 पे ये पूरा जो डायग्राम है जर्नी ऑफ ह्यूमन रिवोल्यूशन का, ये जो इमेज है ये पूरा कैंसल्ड है, इसमें से इमेज से कुछ सवाल नहीं आएगा। हालांकि फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल रामापिथिकस एप है जो यहाँ पे बताया हुआ भी है, लेकिन ये कंटेंट है यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकती है, तो इसको याद रखना है हमको रामापिथिकस एप। इवन नियंडरथल भी आगे आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेंशन। तो यहाँ जो मेंशन है टेक्स्ट में वो हमको लिखना है, लेकिन वो डायग्राम इमेज कैंसल्ड है, सारे नाम नहीं याद रखने। तो ये है, फिर चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। एक्सरसाइज में से आप देखोगे तो जो कंटेंट कैंसल्ड है, तो एक्सरसाइज तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कंटेंट जो कैंसिल हुआ उससे कोई रेलेवेंट नहीं रखती है, तो ये सारा जो कंटेंट आपका एक्सरसाइज का है वो सारा रहता है, इसमें से कुछ कैंसिल नहीं हुआ है। कोई कोई चैप्टर्स में एक्सरसाइज से भी कैंसिलेशन है, जहाँ है हम बताएंगे। और एक बात है कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज के सवाल है, साइंस में ऐसा है कि बहुत सवाल पूछते हैं और टेक्स्ट बुक के पीछे के ही सवाल पूछेंगे, जरूरी नहीं है। टेक्स्ट में से भी जो कैन यू रिकॉल कैन यू टेल के सवाल है वो भी आ सकते हैं और आते भी है। तो वो कैंसिल किया है मतलब कि आपका सिलेबस कम हुआ है, तो रिडक्शन जो है इस पॉइंट पे हुआ है कि ईजी होगा पेपर, ये एक इंडिकेशन क्लियरली मिलता है, क्योंकि ये सारे जो सवाल है ये हर एक प्रिपेयर भी नहीं करता। तो अगर आप प्रिपेयर नहीं भी करने वाले तो नहीं करना है, और करने वाले हैं तो अच्छी बात है, अब नहीं करना है, तो क्योंकि यहाँ से सवाल आ तो सकते हैं, तो पेपर इजी होगा, ये सारे ऐसे सवाल नहीं आएंगे। ये देखिए सेकंड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 में ये कैन यू रिकॉल पूरा नहीं आएगा। फिर ये यूज योर ब्रेन पावर कैंसल्ड है, कैन यू रिकॉल अगेन जो नीचे है वो भी पेज 12 पे कैंसल्ड है। पेज 13 पे ये ऑब्जर्व वाला पार्ट कैंसल्ड है, ये एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। तो शुरू में जब नया सिलेबस आया था 2019 में, तो ऐसा कहा गया था कि मैथ साइंस में 2019 का सिलेबस भी 2019 में कि 9th स्टैंडर्ड का भी सिलेबस आएगा, तो 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस को भी वेटेज दिया गया था इन 2019 द फर्स्ट ईयर। पर 2019 जो बोर्ड एग्जाम था वो एक डिजास्टर था, रिजल्ट काफी बुरा आया था, तो उन्होंने ये 9th स्टैंडर्ड सिलेबस वाला पार्ट भी निकाल दिया, इवन ओरल्स इंट्रोड्यूस किए, तो 2020 एग्जाम ईजी हो गया। और अभी 2021 का जो आप एग्जाम देने वाले हो इसके अंदर भी और सिलेबस रिडक्शन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आपको बता रहे ये सब कुछ नहीं आएगा, तो पेपर भी इजी आने के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बोर्ड नहीं चाहती कि लोग फेल हो। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप जरूर पास होगे, पेपर इजी होगा, बोर्ड आपके फेवर में है। तो ये देखिए ऑब्जर्व कैंसल्ड है, कैन यू टेल भी ये 3 क्वेश्चंस कैंसल्ड है। तो ये पेज 13 हुआ। फिर पेज 14 पे ये एटीपी का पूरा बॉक्स कैंसल्ड है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये पूरा जो पार्ट है ये अब कैंसल्ड है।
पेज 15 पर इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट सर हैंस क्रेब्स, इनके बारे में जो ये है बॉक्स, ये पूरा कैंसल्ड है। पेज 16 पे कैन यू टेल, ऊपर जो दो सवाल है वो कैंसल्ड है। ये ऑलवेज रिमेम्बर का बॉक्स कैंसल्ड है पेज 16 पे। पेज 17 पे यूज योर ब्रेन पावर कैंसल्ड है। ये इंटरनेट इज माय फ्रेंड का जो बॉक्स है वो पूरा कैंसल्ड है। और ये कैन यू टेल भी जो यहाँ पे है, पांच सवाल, वो पूरे कैंसल्ड है। फिर पेज 18 पे यहाँ कैन यू रिकॉल कैंसल्ड है। ये पूरा क्रोमोसोम का जो डायग्राम है वो कैंसल्ड है। ये एक्चुअली अगेन 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, नो क्रोमोसोम पार्ट्स को रिनेम करना, तो ये कैंसल्ड है। फिर पेज 19 पे कुछ भी कैंसल्ड नहीं है। पेज 20 पे ट्राई दिस, पूरा जो ऑनियन का एक्सपेरिमेंट है जो माइटोसिस के लिए, वो पूरा ये जो है ट्राई दिस कैंसल्ड है। यूज योर ब्रेन पावर के ये सारे 6 सवाल भी कैंसल्ड है। यूज ऑफ आईसीटी वाला पार्ट बॉक्स कैंसल्ड है। बुक्स आर माय फ्रेंड वाला बॉक्स भी पेज 20 पे कैंसल्ड है। फिर आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप देखोगे जो कंटेंट कैंसल्ड है, तो एक्सरसाइज से कुछ कैंसिल नहीं होता, एक्सरसाइज का सब कुछ है सिलेबस में। फिर थर्ड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2, उसके लिए स्टार्टिंग में जो कैन यू रिकॉल है कैंसल्ड है। क्योंकि देखो कैन यू रिकॉल 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस है जो हमको ये रिकॉल करना होता है, तो ये कैंसल्ड है। फिर पेज 22 था वो। फिर पेज 23 पे कुछ भी कैंसल्ड नहीं है। पेज 24 पे ये जो फ्रेगमेंटेशन का जो सेकेंड पैरा है, वेन एवर देर इज प्लेंटी ऑफ वाटर से लेके न्यू साइकॉन तक, ये पूरा जो पैरा है ये कैंसल्ड है। तो सिर्फ ये सेकेंड पैरा कैंसल्ड है, मतलब फ्रेगमेंटेशन आपको स्टडी करना है, स्पायरोकैरा, साइकॉन, लेकिन ये जो और डिटेल दिए हुए वो कैंसिल किया गया है। फिर स्पोर फॉर्मेशन जो 5th पॉइंट है, उसमें भी ये जो पूरा जो एक्सपेरिमेंट है जो फंगस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो स्पोर फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए, म्यूकर उसका एग्जाम्पल है, लेकिन ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये कैंसिल किया गया। फिर ऑन हियर यू कैन सी लेट्स थिंक पूरा कैंसल्ड है ऑन पेज नंबर 26, लेट्स थिंक कैंसल्ड है। फिर पेज 27 पे ये ऊपर के तीन पैराज, मैनी फ्लावर्स से लेके टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर तक, ये पूरा पार्ट कैंसल्ड है। ये स्पेसिफिक मेंशन किया गया, जैसे मैंने बोला, तो स्पेसिफिक कैंसिलेशंस करने। डू यू नो का बॉक्स कैंसल्ड है, लिस्ट यूज ऑफ आईसीटी का बॉक्स कैंसल्ड है ऑन पेज 27। फिर पेज 28 पे ट्राई दिस कैंसल्ड है। पेज 29 पे सरप्राइजिंग फैक्ट्स का बॉक्स कैंसल्ड है। पेज 30 पे डू यू नो का पूरा बॉक्स कैंसल्ड है। यहाँ पे वही है जो मेल गैमिट्स होते हैं, कैसे यू नो उसके 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई दो बनेंगे, और वो साइड्स के भी जो है दो 22 प्लस एक्स ही बनेंगे। तो इनहेरिटेंस में कैसे फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच स्पर्म एक्चुअली फर्टिलाइजेस द एग, तो वो जो होता है ये पूरा पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक्चुअली रिपीटेशन है, तो ये बॉक्स कैंसल्ड है और ये डेवलपमेंट एंड बर्थ का बॉक्स भी कैंसल्ड है। पर टेक्स्ट बुक के पीछे सवाल है कि हाउ फादर इज रिस्पॉन्सिबल। ये देखिए, ये ऑलवेज रिमेम्बर में ये बॉक्स में फिर से वही बात यू नो रिपीट होती है, तो ये बॉक्स है, मतलब वो आंसर भी है, सिलेबस से कैंसल्ड नहीं। फिर ये कैन यू टेल का बॉक्स कैंसल्ड है, दिस इज पेज नंबर 31। फिर पेज 32 पे कुछ भी कैंसल्ड नहीं है। पेज 33 पे ये इंटरनेट इज माय फ्रेंड का बॉक्स कैंसल्ड है। पेज 34 का ये जो ऊपर की पांच लाइंस है ये कैंसल्ड है। यहाँ पे सेक्सुअल डिजीजेस के बारे में लिखा गया है, साइफिलिस और गोनोरिया, तो ये अभी कैंसल्ड है। तो टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में इसका एक सवाल है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। और ये डू यू नो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो पूरा बॉक्स है वो कैंसल्ड है, राइट? तो अब एक्सरसाइज में देखिए, मेजरली जो कैंसिलेशन है, तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन 7D नेम द गिव द नेम्स में एनी टू सेक्सुअल डिजीजेस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा वो पार्ट कैंसिल किया गया, बाकी कुछ नहीं। फिर पेज 36 एनवायरमेंट मैनेजमेंट 4th चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी कैन यू रिकॉल कैंसल्ड है, थिंक एन आंसर कैंसल्ड है। कैन यू रिकॉल ये डायग्राम भी आपको याद होगा, ये 9th स्टैंडर्ड में था, तो अब ये नहीं है, ये पार्ट कैंसल्ड है, थिंक एन आंसर कैंसल्ड है पेज 36 पे। पेज 37 पे कंप्लीट द चार्ट पूरा ये कैंसल्ड है, तो ये पूरा चार्ट आपको नहीं करना है। पेज 38 पे कैन यू रिकॉल कैंसल्ड है। फिर यहाँ नीचे ऑब्जर्व एंड फिल द इंफॉर्मेशन जो है पेज 38 पे, ये भी पूरा कैंसल्ड है। पेज 39 पे ये देखिए कंप्लीट द चार्ट जो है, ये पूरा चार्ट ये कैंसल्ड है, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें से भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन अब ये पूरा कैंसल्ड है।
पेज 40 पे डू यू नो का पूरा ये रेडियोएक्टिव पोल्यूशन का पूरा बॉक्स कैंसल्ड है, अ पीक इन द इनटू द हिस्ट्री ये पूरा बॉक्स कैंसल्ड है, कंप्लीट द चार्ट अगेन यहाँ पे भी कैंसल्ड है, तो ये अच्छा कंटेंट रिड्यूस हो रहा है पेज 40 पे। फिर पेज 41 पे डू यू नो का बॉक्स कैंसल्ड है, लेट्स डिस्कस का बॉक्स कैंसल्ड है, इवन इंटरनेट इज माय फ्रेंड एंड ऑलवेज रिमेंबर, चारों बॉक्सेस यहाँ पे पेज 41 पे कैंसल्ड है। पेज 42 पे लास्ट के जो ये बॉक्स है चार लाइंस का ये बॉक्स है, देयर शुड बी पॉजिटिव एटीट्यूड, ये वाला बॉक्स पेज 42 पे कैंसल्ड है। पेज 43 पे हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड, ये जो 7 पॉइंट्स है कैंसल्ड है, और ये एक्सरसाइज में भी सवाल है हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, तो ये अब कैंसिल हो गया, तो एक्सरसाइज में से भी कैंसिल हो जाएगा। और ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो है एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये पूरा जो है लिस्ट ये पूरा कैंसल्ड है ऑन पेज 43। पेज 44 पे थिंक एंड आंसर ये कैंसल्ड है, के डायग्राम है माय रोल इन एनवायरमेंट रहता है, ये चार्ट नहीं कैंसल्ड है। फिर पेज 45 पे रिकॉल अ लिटिल, ये दो लाइंस कैंसल्ड है, डू यू नो का ये बॉक्स कैंसल्ड है, ऑलवेज रिमेंबर पूरा कैंसल्ड है, ये WWF का भी पूरा डिटेल कैंसल्ड है थिंक का बॉक्स ऑन पेज 45। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होती है, तो देखो हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड, ये वाला क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है, इसके अलावा बाकी सब कुछ है, और ये प्लेज फॉर लाइफ यहाँ पे आगे एक्सरसाइज के बाद दिया हुआ, ये पूरा भी कैंसिल किया गया है पेज 46 पे। फिर आते हैं चैप्टर 5 पे पेज 47 पे, तो ये देख चैप्टर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में स्टार्टिंग का पहले अगेन कैन यू रिकॉल कैंसिल्ड है, मेक अ टेबल भी कैंसिल्ड है यहाँ पे। फिर पेज 48 पे कुछ भी कैंसिल नहीं है। पेज 49 पे ये देखो इफ यू सी अ थर्मल पावर स्टेशन का ये जो पूरा कंटेंट है पूरा एंड तक कैंसिल्ड है, यूज ऑफ आईसीटी का बॉक्स भी पेज 49 पे पूरा कैंसिल्ड है। फिर पेज 50 पे डू यू नो का बॉक्स कैंसिल्ड है। फिर आते पेज 51 पे ये इंटरनेट इज माय फ्रेंड का पूरा बॉक्स कैंसिल्ड है, और कंपेयर का नीचे जो दो लाइन दी गई है ये भी पूरा कैंसिल्ड है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स हमको प्रिपेयर करने होते हैं, तो ये कैंसल्ड है मतलब अच्छी बात है कि ये ऐसा सवाल नहीं आएगा, तो सिलेबस रिडक्शन हो रहा है, तो डायरेक्टली एक्सरसाइज से नहीं हो रहा है, पर ये भी क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, ये कैंसिल हो रहे हैं। फिर पेज 52 पे देखिए ये पूरा बॉक्स जो है सम नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स एंड कैपेसिटी, ये बॉक्स पूरा कैंसिल्ड है। पेज 53 पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरमेंट का पूरा जो ये कंटेंट है पूरा शुरू से लेके हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर तक ये पूरा कैंसल्ड है, और ये बॉक्स टुवर्ड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी ये पूरा बॉक्स भी कैंसल्ड है। फिर पेज 54 पे यहाँ यूज योर ब्रेन पावर कैंसल्ड है। पेज 55 पे डू यू नो का बॉक्स कैंसल्ड है। पेज 56 पे अगेन ये जो पूरा विंड फार्म्स का विंड टर्बाइंस के डिफरेंट कैपेसिटीज का जो पूरा ये कंटेंट है पूरा कैंसल्ड है पूरा डायग्राम, एनीवन गेट इंफॉर्मेशन का ये पूरा पार्ट कैंसल्ड है। फिर पेज 57 पे पूरा पेज कैंसल्ड है एक्चुअली स्टार्टिंग इफ टू सोलर सेल से लेके पूरा नीचे तक, और ये सारे डायग्राम्स भी टू पावर स्टेशन ऑफ मेगावाट कैपेसिटी पूरा कैंसल्ड है। फिर पेज यहाँ पे 58 पे फाइंड आउट कैंसल्ड है। पेज 59 पे डू यू नो कैंसल्ड है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अब एक्सरसाइज में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे गिव साइंटिफिक रीजंस, इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम मिलीवाट टू मेगावाट यूजिंग सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स, तो ये एक्चुअली जो पूरा पेज हमने कैंसिल किया वहां से तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पे और एक सोलर पैनल्स के बारे में क्वेश्चन है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम्स, तो ये बी वाला 14B भी कैंसिल हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन 9A है, हाउ कैन वी गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय कनेक्टिंग सोलर पैनल्स, अगेन वही पार्ट से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन भी कैंसिल हो जाता है। इसके अलावा बाकी सारे सवाल रहते हैं। फिर पेज 61 पे एनिमल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी कैन यू रिकॉल कैंसल्ड है ये एक लाइन जो है। फिर पेज 62 पे ये पूरा हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन पूरा कैंसल्ड है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन पूरा कैंसल्ड है, है ना 4 पॉइंट्स तक। फिर पेज 63 पे ये जो पूरा दिस सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन जो लास्ट दो पैरा है से लेके सेगमेंटेशन यहाँ तक पूरा कैंसल्ड है। फिर पेज 64 पे क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये ए बी सी डी जो है ये पूरा यहाँ से देखिए ये पूरा कैंसल्ड है, तो ये सारे इमेजेस डू यू नो का बॉक्स भी कैंसल्ड है,
ये पूरा कैंसिल हो जाता है, सारी इमेजेस भी, इवन ऑब्जर्व पार्ट कैंसल्ड है, और ये पूरा जो आगे का भी है बॉडी सिमेट्री वगैरह ये पूरा कैंसिल किया गया है। तो पूरा जो डायग्राम्स के साथ जर्म लेयर्स, बॉडी कैविटी, ए बी सी डी, ये सारे जो है ए बी सी डी ई सारे कैंसल्ड, ये पूरा यहाँ तक कैंसल्ड है पेज 66 पे। पेज 67 पे कुछ भी कैंसल्ड नहीं है। पेज 68 पे डू यू नो का बॉक्स कैंसल्ड है, और नीचे सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन जो है ये बॉक्स भी कैंसल्ड है। पेज 69 पे इंटरनेट इज माई फ्रेंड का जो एक बॉक्स है वो कैंसल्ड है। गेट इन्फॉर्मेशन का बॉक्स बीच में जो है वो कैंसल्ड है। पेज 70 पे लेट्स थिंक का बॉक्स कैंसल्ड है। सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन और बुक्स आर माई फ्रेंड, ये दो बॉक्स जो है पेज 70 पे ये भी कैंसल्ड है। पेज 71 पे डू यू नो का ये बीच का बॉक्स कैंसल्ड है। पेज 72 पे कुछ भी कैंसल्ड नहीं है। पेज 73 पे भी कुछ भी कैंसल्ड नहीं है। पेज 74 पे यूज योर ब्रेन पावर कैंसल्ड है, दो क्वेश्चंस। पेज 75 पे देखिए यूज ऑफ आईटी, बुक्स आर माय फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, तीनों बॉक्सेस कैंसल्ड। तो यहाँ आपका चैप्टर कब खत्म होता है, जो एक्सरसाइज है वहां पे देखिए, एक्सरसाइज में से यहाँ पे राइट इन ब्रीफ अबाउट प्रोग्रेसिव चेंजेस इन एनिमल क्लासिफिकेशन, जो पूरा हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो जाता है सवाल क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है हमने देखा, जो ग्रेडेशन ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री, तो ये वाला क्वेश्चन भी डिफरेंस जो है ये पूरा ये क्वेश्चन 4 कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल पार्ट में से है ना। और ये सी वाला क्वेश्चन भी कैंसिल होता है क्योंकि स्टारफिश का भी सरप्राइजिंग फैक्ट कैंसिल हो जाता है। तो एक्चुअली इसका आंसर स्टारफिश है, आपको पता भी होना चाहिए कि ब्रोकन पार्ट जो होता है स्टारफिश रीजनरेट कर सकती है, पर वो कंटेंट पता नहीं कैंसिल किया है, पर इट्स बेटर टू रिमेम्बर दिस फैक्ट। और फिर ये कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, ये पूरा कैंसिल हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है कैंसिल हुआ है सिलेबस से। फिर पेज 77 पे आते हैं, सेवेंथ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे कैन यू रिकॉल कैंसिल नहीं किया। फिर यहाँ पे नीचे का ये पार्ट कैंसल्ड है पेज 77 पे, दीज प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड से लेके पूरा फ्लेवर ऑफ बटर तक, तो ये पूरा पार्ट कैंसल्ड है। इसमें से एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, लैक्टिक एसिड से कोएगुलेशन ऑफ मिल्क होता है, कन्वर्टेड इनटू मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, कोएगुलेशन फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज का, तो ये कंटेंट यहाँ कैंसिल हो रहा है पेज 77 पे। फिर पेज 78 पे लेट्स थिंक के दो सवाल कैंसल्ड है, डू यू नो का पूरा बॉक्स कैंसल्ड है। पेज 79 पे कुछ भी कैंसल्ड नहीं है। पेज 80 का ये पूरा प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस का पूरा ये टेबल कैंसल्ड है, इसमें काफी सारा फैक्ट्स था तब ये पूरा कैंसल्ड है। पेज 81 पे यूज योर ब्रेन पावर कैंसल्ड है, सर्च का ये जो कंटेंट है ये भी कैंसल्ड है। पेज 82 पे कैन यू टेल के तीन सवाल कैंसल्ड है। पेज 83 पे लेट्स थिंक के तीन सवाल कैंसल्ड है। पेज 84 पे अगेन कैन यू टेल ये कैंसल्ड है। पेज 85 पे इंटरनेट इज माई फ्रेंड का बॉक्स कैंसल्ड है। फिर आती है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में वही है ये जो करेक्ट फिल द ब्लैंक है प्रोसेस ऑफ डैश ऑफ मिल्क, तो ये कोएगुलेशन आता आंसर यहाँ पे, तो ये वाला क्वेश्चन कैंसल्ड है क्योंकि कंटेंट कैंसिल हो गया वो वाला पार्ट। इसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी सब कंटेंट कैंसिलेशन में से नहीं है, तो ये सब रहेगा। फिर आते हैं पेज 88, एथ चैप्टर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसका कैन यू रिकॉल के चार सवाल कैंसल्ड है। ये ऑब्जर्व की जो दो लाइन है ये कैंसल्ड है, तो ये ऑब्जर्व यहाँ पे ये फिगर के बारे में, तो ये पूरा फिगर भी कैंसिल हो जाता है। फिर पेज 89 पे ये देखिए स्टार्टिंग के दो पैरा पूरे कैंसल्ड है, तो ये पूरा कैंसल्ड है। यूज या ब्रेन पावर कैंसल्ड है दो लाइन। फिर पेज 90 पे यहाँ पे इंटरनेट इज माई फ्रेंड कलर पार्ट कैंसल्ड है। पेज 91 पे ऑलवेज रिमेम्बर का बॉक्स कैंसल्ड है। रिकॉल अ लिटिल के तीन जो क्वेश्चन है वो कैंसल्ड है। पेज 92 पे डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये पूरा बॉक्स कैंसल्ड है। पेज 93 पे यूज ऑफ आईसीटी का बॉक्स कैंसल्ड है। पेज 94 पे डू यू नो का बॉक्स कैंसल्ड है। इंटरनेट इज माई फ्रेंड ऑन पेज 95 कैंसल्ड, इवन ये जो है ये इंपॉर्टेंट बॉक्स था, इससे एक्सरसाइज के भी काफी सारे सवाल है। प्रोटीन्स है ना डेवलप बाय बायोटेक्नोलॉजी, और कौन से डिजीज के लिए वो यूज होते हैं, so, सारे प्रोटीन्स और डिजीज़ का ये मैच पेयर जो है, तो ये पूरा बॉक्स कैंसल्ड है। पीकिंग इनटू हिस्ट्री का ये पूरा बॉक्स कैंसल्ड है, डॉली द शीप वाला। फिर पेज 96 पे क्लोनिंग क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज इन ओशंस, ये पूरा पार्ट कैंसल्ड है, ये पूरा बॉक्स।
पेज 97 पे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और इंटरनेट इज माय फ्रेंड, ये दोनों पार्ट्स कैंसल्ड है। पेज 98 पे कुछ भी कैंसिल नहीं है, पेज 99 पे कुछ भी कैंसिल नहीं है। फिर एक्सरसाइज आती है, तो देखिए एक्सरसाइज में से मैच द पेयर्स जो है वो बॉक्स से था, प्रोटीन्स एंड डिजीजेस किसके लिए यूज होते, तो ये पूरा बॉक्स कैंसिल हो जाता है, ये मैच द पेयर्स पूरा कैंसिल हो जाता है क्वेश्चन टू। उसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कोरिलेशन, इसके भी ए बी सी कैंसिल हो जाते हैं, वही पार्ट से ये सवाल है। उसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं होता, बाकी सब वो कंटेंट जो कैंसिल्ड हुआ उसमें से नहीं है। नाइन्थ चैप्टर सोशल हेल्थ, यहाँ पे पेज 101 पे देखिए, फर्स्ट पेज 91 पे ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ये पूरा बॉक्स कैंसल्ड है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, ये पूरा कैंसल्ड है। फिर पेज 102 पे कुछ भी कैंसिल नहीं है, पेज 103 पे थिंक वाला जो डायग्राम है, जो है कंटेंट, क्वेश्चन एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ये पूरा कैंसिल्ड है। फिर यहाँ पे पेज 103 पे नीचे कंपेयर भी है तीन लाइन, वो भी कैंसिल्ड है। पेज 104 पे रिकॉल अ लिटिल के दो सवाल कैंसिल्ड है। पेज 105 पे इंटरनेट इज माय फ्रेंड कैंसिल्ड है, और साइबर क्राइम का पूरा पार्ट कैंसिल्ड है। तो साइबर क्राइम और उसके वेरियस टाइप्स जो है नेक्स्ट पेज पे भी कंटिन्यू होते, तो ये सारा कैंसिल्ड है। डू यू नो भी पूरा कैंसिल्ड है 106 पे। 107 पे ऑलवेज रिमेम्बर का बॉक्स कैंसल्ड है। और फिर आती है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में हमारा यही है क्वेश्चन, ए फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ जो हमने फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द चैप्टर पे ही किया था कैंसिल, तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा उसकी वजह से। प्रॉब्लम्स ड्यू टू साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम कैंसल्ड है, तो ये वाला सवाल भी कैंसिल हो जाएगा। ये भी ऐप दैट कॉज साइबर क्राइम, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और इवन यहाँ पे भी साइबर क्राइम रिलेटेड जो है क्वेश्चन, ये कैंसिल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5D। फिर पेज 109 पे आता है लास्ट चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो यहाँ पे अगेन कैन यू रिकॉल के तीन सवाल कैंसल्ड है पेज 109 पे। पेज 110 पे लेट्स डिस्कस का पूरा ये फर्स्ट फोर लाइंस कैंसल्ड है, ये पूरा ही कंटेंट रहता है। पेज 111 पे लेट्स थिंक का बॉक्स कैंसल्ड है। पेज 112 पे कुछ भी कैंसिल नहीं है। पेज 113 पे ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा बॉक्स कैंसल्ड है, तो ये भी एक्सरसाइज का सवाल भी है, तो ये कैंसल्ड है। फिर पेज 114 पे कुछ कैंसिल नहीं है। पेज 115 पे ट्राई दिस पूरा कैंसल्ड है, और स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा ये डायग्राम के साथ पूरा कैंसल्ड है। गेट इन्फॉर्मेशन का बॉक्स भी कैंसल्ड है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बाद का स्ट्रक्चर ये पूरा कैंसल्ड है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिलेबस में है पेज 115 पे। फिर पेज 116 इंटरनेट इज माय फ्रेंड का बॉक्स कैंसल्ड है। हु डज व्हाट रिगार्डिंग नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये पूरा बॉक्स कैंसल्ड है। फिर पेज 117 पे ऑब्जर्व का ये जो डायग्राम है, अलग अलग तरीके से जो है फर्स्ट एड दे सकते हैं, जो विक्टिम है उसको उठा सकते हैं, तो ये दिया गया, ये पूरा कैंसल्ड है ऑब्जर्व का। कंप्लीट द चार्ट पूरा 117 पे पूरा कैंसल्ड है। पेज 118 पे गेट इन्फॉर्मेशन की ये दो लाइन कैंसल्ड है। इंटरनेट इज माई फ्रेंड का बॉक्स कैंसिल, और पेज 119 पे ऑलवेज रिमेम्बर के जो पांच पॉइंट है वो कैंसिल। तो एक्सरसाइज पे जब आते तो वही है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का शॉर्ट नोट कैंसिल हो जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तो आपको अपने ढूंढ के लिखना है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली इसके पॉइंट नहीं दिए गए हैं। तो ये 2A कैंसल्ड है, 3C कैंसल्ड है ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, 3E भी कैंसल्ड है डिफरेंट मेथड यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन जो हमने डायग्राम किया था वो कैंसल्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 कैंसल्ड है, ये भी स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में जो हमने कैंसिल किया, बाकी सवाल रहते हैं। तो यही है, यहाँ पे आपका बुक खत्म होती है। तो ये था सिलेबस रिडक्शन फॉर साइंस 2। तो इस सिलेबस रिडक्शन के बाद आपकी पढ़ाई और आपको जोश से करनी चाहिए, और कंटेंट कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा के पूरा कंटेंट कवर कीजिए। इफ यू नीड एनी असिस्टेंस इन एनी पार्ट, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स।